महाराष्ट्र का महाभारत आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच की लड़ाई और बढ़ गई है, लेकिन पेच यह है कि दोनों पार्टियां दावा कर रही है कि वो सरकार बना लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। सीएम फडणवीस ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना पर जमकर तीर चलाए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार उद्धव ठाकरे को फोन लगाया, लेकिन उद्धव ठाकरे का कोई जवाब नहीं आया। उद्धव ठाकरे दोस्तों से बात करने के बजाय कांग्रेस और एनसीपी से बात कर रहे हैं। जरा सुनिए फडणवीस की फटकार। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे बयानों के बाद मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं। इस प्रकार के बयान शिवसेना के माध्यम से लगातार आए हैं। जहां तक 2.5 साल के मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं वापस स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा है, पूरी चर्चा में मैं था। मेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ। उधर फडणवीस की फटकार आई तो शिवसेना की भी ललकार आ गई। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि मैं हरियाणा का चौटाला नहीं बाला साहब का बेटा हूँ, झूठ नहीं बोलता, बीजेपी झूठ बोलना बंद करे। उद्धव ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद उन्होंने गलत लोगों के साथ गठबंधन कर लिया है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, मैंने कम्युनिकेशन रोक दिया है, और इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ कहा, ये इल्जाम मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। फडणवीस ने तो भरोसा जताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली ही सरकार बनेगी, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। क्या फडणवीस एनसीपी और बीजेपी कॉम्बिनेशन की सरकार की बात कर रहे हैं? उधर शिवसेना ने भी दावा किया है कि अगर राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का न्योता देते हैं तो सरकार बना लेगी, मगर कैसे। सबसे बड़ी अड़चन है कांग्रेस की। कांग्रेस शिवसेना को तभी समर्थन देगी जब शिवसेना एनडीए से बाहर निकलेगी, उसके बाद ही शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ताजा अपडेट यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता, इसके अलावा शिवसेना के नेता संजय राउत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे हैं, लेकिन अगर बात नहीं बन पाई तो महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है।